हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आम तौर पे कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। और अभी फ़िलहाल हम रिक्शा पे बैठे हुए हैं और रिक्शा की सवारी कर रहे हैं। और तो आइए, आपको आज हम एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां कोई जाना तो नहीं चाहेगा आम तौर पर जाना एक दिन सबको है वहाँ पर। आप समझ गए होंगे हम कहाँ की बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसा घाट जिसकी मान्यता शत्रु के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से है। कहा जाता है यहीं पर कालू डोम थे जिन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के धर्म का परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में उनका संपूर्ण राज मांग लिया गया था, जिसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। और ऋषि विश्वामित्र यहीं पर नहीं रुके, वो दक्षिणा भी मांगने लगे। इस पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों को लेकर काशी चले आए, जहां पत्नी और बच्चों को एक ब्राह्मण के यहां बेच दिया और स्वयं को डोम राजा के यहां बेच दिया और वो यहां कर वसूली का काम करने लगे। आप सामने देख सकते हैं, यह राजा हरिश्चंद्र और माता तारामती का मंदिर बना हुआ है जो अभी डूब गया है, और ये भोलेनाथ का शिवलिंग भी डूब गया है। ग्रंथों के अनुसार काशी में जो प्राण त्यागते हैं वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। इस वजह से यहाँ लोग अपने जीवन के अंतिम चरण में दूर दूर से आते हैं। आज भी यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। आप देख सकते हैं हरिश्चंद्र घाट का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। अभी तो बाढ़ की वजह से पूरा पानी ऊपर आ गया है। दोस्तों, यहाँ पर परंपरागत सौदा एवं प्राकृतिक गैस के सौदा दोनों होते हैं। दोस्तों, यहाँ विश्राम करते हैं वो लोग जो सौदा करने आते हैं। और आप ये घाट अभी देखिए, पूरा जलमग्न हो रखा है, आप देख रहे हैं, वरना इस घाट का नज़ारा कुछ और होता है। और यहाँ पर अभी ये है चल रहा, ये एक ऐसा मात्र घाट है जहाँ पर नगर निगम द्वारा गेल की सहायता से प्राकृतिक गैस द्वारा सौदा किया जाता है। देखिए, ये चिमनी लगा हुआ है, अभी खैर बंद है, जब और बाढ़ बढ़ जाता है पानी तो फिर यहाँ होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक ज़रूर करना और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।